लुपजाइम प्लस, इसका प्रो बॉडी फॉर्मूला आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को नेचुरली बैलेंस करने में मदद करता है। लुपजाइम प्लस, आपका पाचन रहे इन कंट्रोल। आपके एक दोस्त थे जिनका एनएसजी में सिलेक्शन हुआ, हाँ। ये बात उन्होंने तब भी महसूस की और कल भी बहुत आंखों में लगभग आंसू भर के कहा कि मुझे अपने सिलेक्शन से ज्यादा दुख था कि मनोज कर रही हूँ। आशीष विद्यार्थी बोल रहा होगा आपको। जी जी, जी। हाँ, उस समय भी बहुत ज्यादा इमोशनल था इस बात को लेकर के, और अभी काफी इमोशनल हो जाता है क्योंकि वो साथ में हम लोग साथ में रहे, खाए पिए, मतलब और कहीं ना कहीं उसको ये भी लगता है कि सबसे ज्यादा मेहनत मैं करता था अंदर जाने के लिए और इसका हो गया था और मेरा नहीं हुआ था। बट यू नो दैट्स वेरी नाइस ऑफ हिम दैट ही स्टिल फील्स दैट। लेकिन एनएसडी में नहीं होना का जो कि जो कमी है ना, वो तिग्मांशु धूलिया मुझे बोलता रहता है ऐसा कुछ नहीं है, तू बकवास करता है, अब तुझे ये सोचना शुरू बंद कर देना चाहिए। लेकिन कभी कभी आपको ये ऐसा लगता है कि एक इंस्टीट्यूट जिसके लिए आप बचपन से आंख गड़ाए बैठे हो, बचपन से आप जिसके लिए मेहनत कर रहे हो, उसमें अगर आपका नहीं हुआ, भले ही आप दुनिया में सब चीज मिल जाए, लेकिन वहां वो न मिलने का गम हमेशा रहेगा। ऑफ कोर्स रहेगा। अनुभव अनुभव सिन्हा को कभी ऐसा नहीं लगा, मतलब आपने कैसे झोला टांगा और दिल्ली से मुंबई कूच कर गए, कभी नहीं लगा कि हम भी एफटीआई चले जाए, एनएसडी चले जाए, सीधे कूद गए समंदर में? हमको पता ही नहीं था एफटीआई कुछ। हाँ, मुंबई कैसे आ गए? ना एफटीआई पता था, ना एनएसडी पता था, कुछ नहीं पता था। मैं तो इंजीनियर था, मैं नौकरी करता था इंजीनियरिंग की दिल्ली में, गुड़गांव में कुछ दिन दिल्ली में। तो वीरू भाई आए थे, ड्रामा क्लब का मेंबर था एमयू में मैं, तो उसमें भी मैं मेंबर इसलिए था कि मेरे दोस्त लोग करते थे, मैं तो ऐसे ही मतलब हैंगर ऑन था। तो वहां वीरू भाई आए थे, तो वीरू भाई ने बड़े डेमोक्रेटिक प्रोसेस में एक इम्पोर्टेंट रोल दे दिया मुझे, जो उनको बताया गया कि भाई एक्टर नहीं है, खराब एक्टर है ये वो, तो पर वीरू भाई फैल गए, उन्होंने दिया मुझे रोल। तो श्रीराम सेंटर में परफॉर्म किया गया भाई साहब, वो पंछी ऐसे आते हैं। हाँ, पंछी ऐसे आते हैं। हाँ, अच्छा इम्पोर्टेंट रोल था। आपने एक्ट किया, विश्वास राव का रोल किया था मैंने, जो ऑलमोस्ट सेकंड लीड है जिससे वो लड़की शादी करती है। अच्छा, कमाल ये है कि मैंने वो प्ले देखा था और उसमें जो जो मेन रोल कर रहे थे उनका नाम क्या है, सलीम शाह। हाँ, सलीम साहब जो थे वो मुझे वो याद है, उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। अनुभव ने इतना बढ़िया परफॉर्म किया था कि मुझे याद ही नहीं है कि अनुभव का रोल क्या था। अरे मुझे नहीं आती एक्टिंग भाई, जबरदस्ती कराएगा। अभी परसों तरसों मेरे पास एक फोन आया कि एक एड फिल्म कर लो, मैंने कहा तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। पीछे वो मुकेश छाबड़ा का फोन आया, ये पता नहीं कौन सी पिक्चर में रोल, मैंने कहा तुम लोग पागल हो गए हो, मैं क्यों करूं रोल, गलत आदमी के पास जा रहे हैं ना, अनुराग के पास लेके जाना चाहिए उनको। मैं बोलने वाला था टॉपी कपट जो बिकवाना है बिकवान। तो इन लोगों से मुलाकात हुई इस उस जरिए। हाँ। तो मेरा एक दौर यह आया कि मुझे इंजीनियरिंग की नौकरी नहीं करनी, मैंने छोड़ दी। हाँ। अब क्या करूं दिल्ली में अकेला, घर पे बताया नहीं कि मैंने नौकरी छोड़ दी है। तो फिर मैं मंडिया जाने लग गया, फिर वहां पे दोस्त बन गए, वीरू भाई बॉम्बे आ चुके थे, तो फिर इन लोगों के साथ घूमने लगा, फिर उसमें थोड़ा मजा आने लगा। एक्टिंग नहीं करनी है मुझे मालूम था क्योंकि मैं एक्टर था नहीं, मुझे मालूम था खराब एक्टर हूँ। फिर मनोज ने भी एक छोटा सा रोल कराया था उसी नाटक में जो दंगा वैसा वाला था, वो आना जाना रोल था, मुझे ठीक से याद भी नहीं। अच्छा, तो मतलब मनोज वाजपेयी ने आपको पहले कास्ट किया और बाद में आपने मनोज, नहीं मेरा मतलब कि पहले मनोज वाजपेयी डायरेक्टर बने और अनुभव सिन्हा एक्टर और फिर अनुभव सिन्हा डायरेक्टर बने और मनोज एक्टर। मनोज का असिस्टेंट था ना मैं उसमें, असिस्टेंट था ये मेरा, और मैं थोड़ा बहुत ही टफ डायरेक्टर था उसमें। मनोज ऐसा बहुत कॉन्शियंशियस बिहारी है, नहीं है? थोड़ा इसको एक्सप्लेन करिए। कॉन्शियंशियस बिहारी, बिहारी दो प्रकार के होते हैं। अच्छा, जब मैं बिहारी बोलूंगा तो उसका मतलब सिर्फ बिहार प्रदेश नहीं है, उसमें थोड़ा सा यूपी भी है, थोड़ा सा झारखंड भी है। बिहारी एक मानसिकता है, बिहारी एक कैरेक्टर होता है। एक मतलब बंबई में रहता हुआ भी एक आदमी बिहारी हो सकता है, एक पंजाब में रहता हुआ आदमी बिहारी हो सकता है। बिहारी एक चरित्र, एक किरदार है, वो थोड़ा अड़ियल होता है, प्यार करता है, तो मतलब बोलिएगा तो कलेजा ऐसा रियली फाड़ के निकाल के दे देगा, ये रखो कलेजा हम जा रहे हैं, ठीक है, तो कलेजा देके वो चले जाएंगे।
गुस्सा हो जाएंगे तो निकाल देंगे कलेजा। काम कोई भी काम के लिए ऐसा तय किया गया कि ये काम श्रद्धा से किया जाएगा तो एकदम रवि शास्त्री हो जाएंगे, कॉपी बुक फ्रंट फुट हाफ कॉक बॉल दबा दी, ऑफ स्टंप के बाहर नहीं टच करेंगे। तो वो कॉन्सेंशियस बिहारी वो थे, थोड़ा सा दिल पे ले लेते हैं, दिल पे, दिमाग पे, जहन पे, शरीर पे, तो वो तनाव रहता है थोड़ा सा। नहीं, नहीं, शरीर शरीर पे तो आपने ठीक कहा, इन्होंने अपने शरीर के साथ जो क्रूरता और अत्याचार गली गुलियां के दौरान किया है, मैं उम्मीद करता हूं कि इनके सारे दोस्त इनको डपटे कि ये दोबारा वैसा ना करें। मेरी पत्नी बोल रही है इस मामले में वो बिहारी, मतलब आदमी घर में मुंबई के फ्लैट में बैठा बड़बड़ा रहा है, इतना घुसना होता है क्या? अरे बाबा वो बाहर वो अलग कैरेक्टर है। वो गुस्सा करेगा तो रो, गुस्सा करेगा तो रो देगा, प्यार करेगा तो आपकी हड्डी तोड़ देगा। वो थोड़ा अतिवादी भी है, अतिवादी। हाँ, थोड़ा सा मैं एक्सट्रीम एक्सट्रीम रहा हूँ, अभी अभी उतना नहीं है, लेकिन हाँ एक्सट्रीम एक्सट्रीम पे रहता है मेरा। काम डाउन अ लॉट। अनुराग भी यही बोलता है कि मनोज भैया का तो अलग ही है। अच्छा तो एक बात बताइए कि आप दोनों, मनोज भैया ने कह दिया न करब तो मतलब न करब, फिर ब्रह्मा उतर के आएंगे, मनोज नहीं करेगा। अच्छा कोई काम मनोज हम न करब।